जी आपका स्वागत है इस चर्चा में आने के लिए। अनुराधा जी हमारे कश्मीर टाइम्स की, वो इस समय कश्मीर की जो हालत है वो किसी से वो नहीं है, छुपी नहीं है। हम लोग कश्मीर में कह रहे हैं लोकतंत्र बहाल है, मैं खुद गया था कश्मीर, वो कौन सा लोकतंत्र है ये तो भाई सुनने और समझने वाली बात है। अनुराधा जी, सबसे पहला जो समझ में आ रहा है कि इस लोकतंत्र, जो मैंने आज की थीम भी रखी थी, लोकतंत्र के लिए चुनाव एक माध्यम है, इसमें कोई वो नहीं है कि चुनाव के द्वारा ही लोग चुने जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जितना पैसे की जरूरत हो गई है, उसी तरह से अब लोगों को मीडिया की भी लगता है जरूरत हो गई है। और अब मीडिया भी देश की, आपको नहीं लगता है कि बढ़ गई है, एक गोदी मीडिया हो गई है या सरकारी मीडिया कहें, और एक और मीडिया हो गई है जिसका शायद कुछ बाहर हम लोग भी खड़े हैं, जिसको सरकार में केवल हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो लोगों कुछ एक लोगों का कहना है कि भाई आप मिडिल पाथ क्यों नहीं लेते हो, तो हमारे कुछ साथी लोगों का कहना है कोई अच्छी बात बताओ जो सरकार ने की तो मैं उसकी तारीफ भी करूं। तो ये क्या मीडिया बिल्कुल दो हिस्सों में बंटती हुई नहीं लग रही है आपको, कि बिल्कुल एक दो हिस्सों में है, एक जो जिसको सरकारी मीडिया कहिए, गोदी मीडिया कहिए, कंट्रोल मीडिया कहिए, और एक जो केवल प्रश्न पूछ रही है। अनुराधा जी देखिए, ये काफी अरसे से है कि ये कोई नई चीज नहीं है कि मीडिया जो है आपको बटा हुआ लग रहा है। हमेशा से ही एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो था वो हमेशा से ही सरकार की पैरवी करता था, सरकार की जो अचीवमेंट्स है उनको दर्शाता था, और सिर्फ वही दर्शाता था और क्रिटिसिज्म कहीं नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका साइज जो है वो इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है और उसकी नॉइज भी बढ़ती जा रही है। वो एक जर्नलिज्म ऑफ नॉइज हो गया। आप रोज के चैनल्स देख लीजिए, सबसे बड़ा अंदाजा आपको वहीं से हो जाएगा कि कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। आपके हर टीवी चैनल पे एक 10 डब्बे आ जाएंगे और हर कोई एक दूसरे की बात को काट ही नहीं रहा, गाली गलौज भी कर रहा है। तो इस किस्म का जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं है, लेकिन उसका जो एक ज्यादा सटल वर्जन है वो प्रिंट में भी आता है, डिजिटल मीडिया में भी आता है। एक जर्नलिज्म ऑफ नॉइज जो कि ना फैक्ट्स पे आधारित है और ना उसकी बुनियाद जो है वो जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स और पर्पस पे है। क्योंकि जर्नलिज्म का काम, जब आप कह रहे हैं किसी ने आपको कहा मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं लेते, जर्नलिज्म का ये काम ही नहीं है कि आप मिडिल ग्राउंड लीजिए। जर्नलिस्ट का काम, पत्रकार का काम ये है कि वो सच जो है उसको कुरेदे, उसकी उसको ऑथेंटिसाइज करे, फैक्ट्स को वेरीफाई करे और फिर वो लोगों के सामने पेश करे, चाहे न्यूज़पेपर के हवाले से या टेलीविजन रेडियो के हवाले से। और ये उनका काम है, चाहे उसमें किसी भी और अक्सर जो न्यूज़ होती है वो किसी ना किसी पावरफुल जो लॉबी है उसके हक में नहीं होगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बड़े पूंजीपति हो। और इस वजह से वो उनको पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन ये जर्नलिस्ट का बेसिक काम ही यही है, एक फैक्ट्स को लाना। और क्योंकि बैलेंस कैसे होगा, जो बैलेंस की बात करते हैं वो ये भूल रहे हैं कि सरकार जो है वो तो बहुत पावरफुल है, या जिस पावरफुल जो लॉबीज हैं जो अब्यूज करती हैं पावर को, किसी भी किस्म की हो, वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं। और दूसरी तरफ आपके पास वो साधारण लोग हैं, वो पिछड़े हुए लोग हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये होगा पावर के हाथ में खेलना। जी, अनुराधा जी मैं आपसे जरा थोड़ा, क्योंकि हम सब लोगों की एक थोड़ी सी उत्सुकता है, कश्मीर में प्रिंट मीडिया तो करीब करीब बंद ही है, आप लोग, मैं सोशल मीडिया पे और अपने मूल प्रश्न पे आऊं, जरा मैं कश्मीर के बारे में कुछ चीजें समझ लूं। आप लोगों का अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम है, और मतलब कैसे न्यूज वैली में, नहीं, कश्मीर में, मैं जम्मू की बात है। हमारा अपना जो कश्मीर टाइम्स का है वो 2 एडिशन हुआ करते थे 2019 से पहले, और उससे पहले एक हिंदी और डोगरी का बंद हो चुका था क्योंकि फाइनेंशियली जो जिस तरह से
गवर्नमेंट का जो एक कंट्रोल मीडिया पे यहाँ पे पहले से ही था, अब कुछ उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ गया जी। तो पिछले साल हमारा दफ्तर सील हुआ था श्रीनगर में, तो वो एडिशन बंद हो गया क्योंकि दफ्तर के साथ साथ उन्होंने सारा जितना टेक्निकल इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होता है प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए वो नहीं है। जम्मू में एक लो की पे साइज पे चल रहा है, उसके पेजेस भी कम हैं, 8 पेज का निकल रहा है और बहुत मुश्किल से निकल रहा है, और एक ऑनलाइन एडिशन है इस वक्त हम वही चला रहे हैं। लेकिन कुछ अखबारें बंद हुई हैं, ज्यादातर अखबारें चल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसमें छप क्या रहा है, चाहे वो जम्मू से निकलती हैं या वो कश्मीर से निकलती हैं। अखबारों में कोई भी जिक्र, कोई बहुत रेयर केस होगा जब कोई हल्का सा भी क्रिटिसिज्म कहीं गवर्नमेंट का, किसी पॉलिसी का, किसी चीज किसी एक्शन का हुआ होगा। लेकिन अब पहले होता था, पहले आदेश आते थे अखबार वालों को कि आप कुछ क्रिटिसिज्म मत कीजिए, अब आदेश ये आते हैं आप सिर्फ वो एम्पलीफाई करिए जो कि गवर्नमेंट हैंडआउट्स देती हैं आपको। तो मतलब वो एक अखबारों को, पत्रकारिता को एक पीआर एजेंसी का, जो सरकारी पीआर एजेंसी का है, एक एक्सटेंशन बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी नहीं नहीं मैं इसी में आपकी बात में और बात जोड़ दूं, दर्शकों को भी बता दूं, एक अभी सोशल मीडिया पे आपके पास भी जो भी सोशल मीडिया चला रहा है और सरकार के, सरकार ने कहा था तो हम सब लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे और एक तरह से अब हम लोग सरकार के रडार में हैं। सबके पास एक सर्कुलर आया है और सबको कहा गया है कि वो, उनको एडवाइजरी जारी हुई है कि आप, अमृत महोत्सव चल रहा है तो सरकार की ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं और देश के लिए कितना अच्छा है, इसको हम लोग एडवाइज करते हैं कि आप अपने उसमें लिखिए। अब चूंकि वहां से कोई पैसा मिलता नहीं, उन्होंने कहा नहीं है मैंडेटरी है, तो 99% लोग उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो एडवाइजरी धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा, इसको दिखाई दे रहा है। वो अगला महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर वो आपके ऊपर ये सख्ती करेंगे कि अगर आप ये निकाल रहे हैं तो आपको ये लिखना है, वो दिन दूर नहीं है। मैंने अपने दर्शकों को बताने के लिए कहा। मैं इसके बाद एक जो अगला सवाल आपसे था, जी 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 बताएं, कहना चाहूंगी कि देखिए पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, पहले एक कम्युनिकेशन बैन हुआ, एक लॉजिस्टिकल इंपीडिमेंट था मीडिया के ऑपरेट करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक डर का माहौल बनाया गया है। कुछ पत्रकारों पे कई केसेस लगा दिए गए या उनको पुलिस स्टेशन में, थानों में समन किया जाता है, इलीगल समन्स हैं, ओरली वर्बली टोल्ड, कोई रिटन समन्स नहीं आते हैं। अब उसको वो बाकायदा एक फॉर्मल शक्ल दे रहे हैं, पहले मीडिया पॉलिसी लाई जिसके अभी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, अभी तक पता नहीं है वो लागू भी है कि नहीं लागू है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसी मीडिया पॉलिसी को ही के बिल्कुल हूबहू साथ मिलता जुलता है। और ये जो फॉर्म्स की आपने बात की, आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रोल है, होल्ड है, वो इतना बढ़ गया है कि कोई कुछ बोल ना सके, कोई कोई बात ना कर सके, और बिना कोई अगर कुछ बोलता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और इस किस्म का वो एक इसको एक कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। जी नहीं, और मैं अपने दर्शकों के साथ भी बता दूं और फिर आपसे भी जरा समझूं, जैसे हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे माना जाता था ना टाइम में निकला है, तो टाइम को सैक्रोसेंट माना जाता था कि टाइम, अब अगर टाइम में एडिटोरियल निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडिटोरियल दिया और जो चाहिए वो छपा लीजिए, तो अब फिर ये लगता है कि पूरी तरह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, और उसको हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन उनकी अपनी बिजनेस मजबूरी है, उनको अगर 16 पेज का आपको अखबार निकालना है तो आप 1 महीना 2 महीना आप कहीं से निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कागज खरीदने के लिए, इंक खरीदने के लिए, मशीन के लिए, लोगों की तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए होगा, और वो जिसकी कॉस्ट आज की तारीख में 16 पेज का अगर आप अखबार 4 पेज कलर निकाल रहे हैं तो 18-20 रुपए से कम कॉस्ट नहीं आती है लेने, उतना पैसा लोग देके पढ़ने को नहीं तैयार है, 3-4-5 रुपए से ज्यादा अखबार हो जाता है तो लोग नहीं लेते हैं। मैं जो आपसे मूल चीज पूछ रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार का ज्यादा ध्यान अब डिजिटल मीडिया के ऊपर हो रहा है, उसको लग रहा है इसको कैसे कंट्रोल करो, क्योंकि वहां तो पैसा देके भाई हम विज्ञापन नहीं देंगे, वो 1 मिनट के अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं जी। यहां पे कैसे कंट्रोल करो, ये एक मुश्किल वाली चीज उनके लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे कंट्रोल करेगी सरकार डिजिटल मीडिया?
देखिए अभी किया है उन्होंने जो कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह के लिए, उसमें वो डिजिटल मीडिया को भी शामिल कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया का एक नई चीज़ ये हुई है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं सोचा गया था कि एक नया रेवेन्यू मॉडल हो मीडिया के लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने एक अलग से हट के एक रेवेन्यू मॉडल जो है वो और सक्सेसफुल मॉडल है सो फार उसको सामने रखा है सबके। एंड ये एक हमको इंस्पायर करता है इस वक्त। आई थिंक ये क्या करेंगे वो भी सोचना चाहिए। और क्योंकि ये नए नए कानून बना के ये डिजिटल मीडिया को भी उसी चपेट में लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि हम नए तरीके कहाँ से ढूंढें। वो फ्लॉड रेवेन्यू मॉडल्स थे। एक जम्मू कश्मीर में तो खैर कॉरपोरेट मीडिया नहीं था, शुक्र है उसका, लेकिन सरकार पे डिपेंडेंस थी। लेकिन सरकार पे जब डिपेंडेंस होती थी, हम एक ज़माने में कहते थे ये लेसर ऑफ द ईवल है, क्योंकि जितने भी लोग जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं किसी भी तंजीम के हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक विश्वास है वो लोकतंत्र में है और लोकतंत्र की बहाली में है। तो वो किसी ना किसी रूप में हर कोई वो जो है प्रेस फ्रीडम को दबाएगा नहीं। तो और इसी वजह से गवर्नमेंट एड्स का भी बेसिक पर्पस तो यही था ये शुरू करने का कि इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट किया जाए और उसी तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, लेकिन वो होता नहीं है। और आज की डेट में ये साबित हो गया है कि ये फ्लॉड रेवेन्यू मॉडल है और इसको बदलने की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है, नए आविष्कार की ज़रूरत है। जी अनुराधा जी, मैं शायद आपकी बात अपना क्वेश्चन ठीक से नहीं फ्रेम कर पाया। कहना यह कि देखिए ब्रेकिंग तो सोशल मीडिया कर देता है। हाल के दिनों में हाथरस रेप केस, रात में अगर वो 2 बजे वो इंडिया टुडे की पत्रकार फोटो खींच के अगर सोशल मीडिया पे नहीं करती तो हाथरस केस दब गया था। अगर लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पे टेनी जी के, मतलब जो एलिजिबली अब ये कहना चाहिए भाई, टेनी जी के लड़के जो जीप से दबाया, अगर सोशल मीडिया पे नहीं चला होता तो दब गया था। आर्यन खान वाले केस में जो एक सो कॉल्ड उनके आदमी थे गोसावी जी, अगर गोसावी जी की पिक्चरें सोशल मीडिया पे नहीं होती तो केस दब गया था। और हाल के दिनों में त्रिपुरा की मैं बात करूं, क्योंकि मैं उसको बहुत पर्सनली जान रहा हूं उस केस को, श्याम मेरा सिंह सोशल मीडिया में काम करते हैं न्यूज क्लिक में, उन्होंने वहां से, हालांकि उन्होंने अपने पेपर में नहीं किया, उनका तो एक साधारण ट्वीट था कि त्रिपुरा इज बर्निंग, उसी पे उनके ऊपर एफआईआर करने की बात होने लगी। ये दोनों लड़कियां जिनको इन्होंने मतलब गिरफ्तार किया और अब बेल हुई है, ये दोनों एचडब्ल्यू न्यूज की लड़कियां थी जो दिल्ली से उसको कवर करने गई थी। मेरा कहना यह है कि ये तो कर रहा है, लेकिन शायद ब्रेकिंग के बाद एक सामंजस्य बिठाने के लिए भी ब्रेकिंग और प्रिंट के बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में तो लोगों का भरोसा, इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल एक दूसरे टेंजेंट पे चल रहा है, उसका पैसा बहुत लगता है, उसमें दूसरे विमर्श होते हैं, लेकिन ब्रेकिंग के बाद कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का भी एक रोल शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक सोशल मीडिया की जो भूमिका है, एक एक वो एक सिटीजन जर्नलिज्म उसको कह लीजिए, वो उस तरह से सामने आती है, क्योंकि एक जो इंटरनेट है उसने बहुत सारे लोगों को एम्पावर भी किया है। हम यहाँ पे, मैं जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और मुझे याद है कि 1990 में जब हम काम किया करते थे तो कई दिन लग जाते थे पहाड़ी इलाकों से खबर आने में। तो आज की डेट में एक प्रिलिमिनरी खबर जो है वो कम से कम वो हमें व्हाट्सएप के जरिए या किसी ईमेल के जरिए वो एकदम से आ जाती है, और या सोशल किसी मीडिया पोस्ट पे आ जाती है और उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन और मेरा मानना इससे पहले ये, तो पिछले 2-3 साल से हम बिल्कुल इसी चीज से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें एज इंडिपेंडेंट मीडिया। लेकिन उससे बहुत पहले मेरे जहन में ये था, ये बात थी कि एक बहुत अच्छा जो पार्टनरशिप है सिटीजन जर्नलिज्म और प्रोफेशनल जर्नलिज्म की, अगर एक हो तो बहुत सारी चीज़ें जो
हम नहीं मीडिया में आती हैं वो आ सकेंगी, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एक सिटीजन, वो कोई भी सिटीजन हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया यूज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फेक न्यूज़ भी लाएगा, वो हेट स्पीच भी डालेगा, वो मॉफ्ड पिक्चर्स भी डालेंगे, लेकिन जो अगर एक पार्टनरशिप हो बिटवीन यू नो सेट ऑफ पीपल जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल मीडिया उनके साथ ताउन कर अगर वो उनकी वो वेरीफाई करता है उनके अपनी जो मीडिया पर्सन्स के जो अपने स्किल्स होते हैं वो सारे इस्तेमाल करके और पूरी तरह से छानबीन करके तो उसकी एक तफसील से जो एक स्टोरी है वो सामने आ सकती है। आई थिंक ये एक चीज़ है जो करनी चाहिए थी और जो नहीं हुई उस वक्त, क्योंकि एकदम से मेरा ख्याल है जब तक हमें इंटरनेट का अंदाज़ा हुआ कि इसकी प्लस एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो इतनी तेज़ी से आया और इतनी तेज़ी से उसमें ऐसी तब्दीलियां हुई कि हमें ये सोचने का टाइम नहीं मिला। और जब तक थोड़ा आई थिंक कुछ लोगों ने भी और भी सोचा होगा, आपने इसी बात का ये आपके भी जहन में थी और हमने कभी आपस में बात नहीं की है। मेरा ख्याल है अगर हम इस दौर से नहीं गुजर रहे होते जो अभी एक प्रेजेंट का दौर है जिसमें एक मीडिया को बहुत ही बुरी तरह से दबाया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, तो शायद हम इस पे थोड़ा काम कर सकते। मैं एक चीज और जरा आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में बहुत साइलेंट एकदम से हो गया। एक करीब 15-20-25 दिन पहले कश्मीर से नॉन कश्मीरीज को एक ऐसा माहौल बनाया गया कि इनको वहां से भगाया जा रहा है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं और ये जानकारी मुझे आप ही के माध्यम से मिली थी कि कश्मीर में करीब 20-25 लाख लोग जो सो अब कहा जाता है कि वो बाहर बाहर क्या इसी देश के लोग हैं जो वहां जाके काम करते हैं, वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जाते हैं वहां का रोजी की तलाश में, और वो 20-25 लाख लोग हैं। वो उस पे इधर न्यूज आना बिल्कुल बंद हो गई है। तो आपका अपना असेसमेंट क्या था, वो क्यों एकदम से हुआ और एकदम से वो फिर बंद क्यों हो गया? कश्मीर में मैं थोड़ा सा आपको गलती लगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में 28 लोग ये 2011 के सेंसस में आया था और जिसमें लद्दाख भी शामिल है, जम्मू का इलाका भी शामिल है, तो अगर कम से कम आप 12-14 लाख तो आराम से कश्मीर के ही इलाके में, और वहां से लोग वो भागे, और ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब इतनी मिलिटेंसी रही, पहले भी रही, 90 में भी रही, वो लोग नहीं गए कभी भी वहां से। और अब जो ये टारगेटेड किलिंग्स हुई जो पहले नहीं हुई है, तो ये एक नया सिलसिला था, और एक सरकार के पास, क्योंकि उनका उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा थी और सरकार की ना सीरियसनेस थी ना उनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, आप 3,000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ से निकल कर आए कश्मीर से, जो माइग्रेंट पैकेज का जिन्होंने ऑफर वो लिया था और वो वापस गए थे पिछले 10 सालों में, और वो लोग भाग के आए, वो तो बहुत कम एक नंबर था, वो उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो एक एक प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, एक कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, और नहीं अनुराधा जी, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि देखिए केंद्र में पिछले 7-7.5-8 साल से भाजपा की सरकार है, वहां पे भी पहले भाजपा पीडीपी की थी और पिछले 2.5-3 साल से तो डायरेक्टली गृह मंत्री उस स्टेट को चला रहे हैं भाई, वो तो वहां पे उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो क्या ये उनके ऊपर क्वेश्चन उठने लगता कि तुम नहीं चला पा रहा हो इसलिए इसको डाउन प्ले किया गया, या उनको जो लग रहा था कि इलेक्शन में इसका जी बिल्कुल ये जितने भी हाँ, बल्कि अदरवाइज जब भी इस किस्म की कोई किलिंग्स होती हैं तो कम्युनल लाइंस पे होंगी, वो तो भाजपा इज नोन कि वो उसको कितना उछालते हैं, तो मीडिया को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, वो उसको कब प्ले अप करना है, उसको कब प्ले डाउन करना है। जब इलेक्शन थी उस वक्त पुलवामा हुआ था, पुलवामा को किस तरह से उछाला गया था,
इस वक्त जो है वो किलिंग्स डाउनप्ले इसलिए भी की गई हैं, 2 साल पहले इसी सरकार ने ये एक दावा किया था कि कश्मीर के अब हालात बेहतर हो जाएंगे, वहाँ टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, वहाँ पे बाहर से लोग जो हैं वो जा सकेंगे, वो बस सकेंगे, और अभी भी सिर्फ एक ही शक्ल दिखाई जा रही है। ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से जो लेबर क्लास के लोग हैं वो भाग के आए, जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे वो भाग के आए, और भाग के आना पड़ा, और सिर्फ हमको दिखाया जा रहा है, अगर आप मीडिया को देखें कि टूरिज्म कितना बढ़ रहा है, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा टूरिज्म पहले रहा है कश्मीर में, चाहे मिलिटेंसी थी या नहीं थी, उसके उतार चढ़ाव होते रहते थे, उसके बावजूद टूरिस्ट जाते थे, और टूरिस्ट एरियाज जो हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं, और उन एरियाज में कभी कोई ऐसी वारदात हुई नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दिखाई हमको वही तस्वीर जाती है। तो मीडिया मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और वो किस तरह से, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उनको क्या सूट करे। जी जी श्री पांडे साहब, मैं आपसे एक चलेगा अनुराधा जी, जरा 2-3 बातें इसके इससे रिलेटेड और कर लें। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि त्रिपुरा वाली घटना पे मैं फिर वापस आ रहा हूं, क्योंकि आप भी मीडिया में काम करती हैं, बहुत यंगस्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छी खबरें करते हैं, इनके पास कोई हैंगअप्स नहीं होता है, बहुत फ्रेश माइंड से जाते हैं। ये जो 2 लड़कियां हैं, एक मैं जानता हूं एक 20 साल की, एक 24 साल की है, अब इनके ऊपर सरकार ने इनको ले जाके बंद कर दिया, बेलेल हुई, वापस आ गई हैं, लेकिन जो मूल मकसद है वो है कि किसी तरह से ये डरे लोग, लोगों को घर में कहा जाए कि भाई इस तरह के काम क्यों कर रहे हो। मैं अपने दफ्तर की बात बताऊं, मेरे यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं उनके घर में भी कहा गया कि मतलब थोड़ा ये क्यों तुम लोग ऐसी जगह काम कर रही हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है सरकार कि अगर वो एक एग्जाम्पलरी काम कर देती कि इनको बंद करो, ठीक है 4 दिन बाद छोड़ दो, लेकिन एक मैसेज चला जाता है कि अगर यहाँ आओगे तो ठीक नहीं रहेगा, इस तरह की बात। बिल्कुल, देखिए कोई सैंपलिंग हो रही है, मतलब कुछ पिक्ड अप केसेस की, किसी के अगेंस्ट केसेस लगा दिए जाते हैं, चाहे वो सेडिशन का हो, टेरर का हो, लेकिन अरेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं बेल पे। कुछ लोग जैसे सिद्दीक कपन है, वो तो उनकी रिहाई भी नहीं हो रही, और एक बहुत स्ट्रिंजेंट वो एक पोजीशन ली है गवर्नमेंट ने। और मैं कश्मीर का अगर एग्जांपल दूं, कश्मीर एक लेबोरेटरी है जिसको अगर मानिए बहुत सारी चीज़ों के लिए और मीडिया के लिए भी, के एक वहाँ पे भी इसी तरह के ऐसे सैंपल्स क्रिएट किए गए हैं, कौन किसको कितनी देर जेल में रखना है किसके, और बाकियों को डरा धमका के रखना है, और डराया धमकाया इस तरह से जाता है कि प्रोफेशनली, एज अ प्रोफेशनल आप खुद सोचने लगते हैं मैं ये स्टोरी करूँ नहीं करूँ, इसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर जो है वो फैमिलीज पे भी होता है, और ये ज्यादातर हर किसी के लिए होता है, मर्दों के लिए भी होता है, औरतों के लिए भी होता है, बट खास तौर पे औरतों पे ज्यादा इसका प्रेशर होता है, कि जो फैमिली प्रेशर है कि ये लड़की क्यों काम कर रही है। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि लड़कियों के लिए आइंदा न्यूज रूम में कहीं जगह उनकी कम ना हो जाए, क्योंकि इसी डर से कि ये जो फील्ड है ये सेफ नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं इसको इस उससे कह रहा था। अब दूसरा जरा मैं एक और आपसे जल्दी से एक बात और कर लूं कि ये जो टीवी की डिबेट्स हैं, और मैं बिल्कुल ठीक नॉलेज के साथ कह रहा हूँ, टीवी डिबेट्स में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सारा फोकस उस टीवी डिबेट पे रहता है, कि वो जो शाम को 3-4-5-2-3-2 घंटे की या 3 घंटे की जो प्राइम टाइम डिबेट है उसपे सारे नेताओं का, उनके बेस्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन का रहता है, और वो वहीं से शायद अपना एजेंडा भी सेट करते हैं, जो कि बहुत आपका टाइम्स इररेलेवेंट लगती है वो डिबेट। तो क्या ये स्थान प्रिंट मीडिया ने इससे भी छूट गया है, पोलिटिकल पार्टीज का अब सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस डिबेट का रह गया है? देखिए ये एक, क्योंकि
रीडरशिप जो प्रोफाइल है वो कम होता जा रहा है अखबारों का, प्रिंट मीडिया का, आई मीन सर्कुलेशन के हिसाब से ना देखें, लोग सीरियस रीडरशिप जो है वो कम से कम कम हो गए और लोगों में पेशेंस नहीं है. लोग एक तो विजुअल्स देखना चाहते हैं, दूसरा मतलब घर में बैठे हैं, 10 काम कर रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में खबरें देख रहे हैं, तो एक वो नॉन सीरियस जैसा माहौल जो है. और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही सोच है कि जो टेलीविजन जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और इसकी जो रीच है वो ज़्यादा है. और एक वो जैसे असेंबली और पार्लियामेंट की तरह वो एक गैलरी बन गई है जहाँ पे आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप वही बोलते हैं जो आपको लगता है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट करेगा. और वैसा ही हर शाम को हम देखते हैं. मैं एक अंतिम प्रश्न करके इसको आप से विदा लूंगा. एक चीज और है जो सोशल मीडिया का, जो मुझे एक दिक्कत लगती है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम से चलता है. वो जो भी है आपको, जो आपकी पसंद है, आपने पास्ट में क्या देखा, आप किस तरह की चीजें, और वो आपको वही परोसता है. जैसे आप कभी कभी आपका आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाए ना कि आपको नहीं, वो खाना वही परोस देगा जो आपको पसंद है. तो हमें उसमें विविधता नहीं मिल पाती है और वो आपको लगने लगता है कि यही पूरा देश सोच रहा है. सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जैसे मैं अपने परिवार में देखता हूँ, उनको लगता है नहीं, अगर जो वो देख रहे हैं उनको लगता है नहीं पूरा देश ऐसे सोच रहा है. उनको ये नहीं पता है कि आपको यही सोशल मीडिया परोस रहा है. तो ये खतरा सोशल मीडिया का तो जरूर है. आपको क्या लगता है ये खतरा है, मतलब जो बिल्कुल ये सिर्फ यही खतरा नहीं है कि हम सिर्फ एक वन साइडेड पिक्चर देख रहे हैं. इससे जब हम वन साइडेड वही पिक्चर देखते रहते हैं और हम हमारी समझ के हिसाब से कि यही बाकी लोगों की सूझबूझ है और दूसरे किस्म के लोग नहीं हैं, अल्टरनेट व्यूज नहीं हैं, ये एक सोसाइटी को इनटॉलरेंट भी बनाता है. और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबल, जिस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल रीडर होता है मीडिया का, और हम कहते हैं एक मीडिया के रीडर की, अखबार के रीडर की या टेलीविजन के व्यूअर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि वो मीडिया पे एक जोर भी रखे, मीडिया को सपोर्ट भी करे अलग अलग तरीकों से, ताकि मीडिया भी चेक में रहे. मीडिया को चेक कौन करेगा? अगर मीडिया ने बाकी डेमोक्रेसी के पिलर्स पे चेक करना है तो मीडिया को चेक करने वाला भी कोई होना चाहिए. देश में भी उसी तरह से सोशल मीडिया यूजर्स वो भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि जिस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, आप उन पे जोर करिए. ये आप सिर्फ एल्गोरिथम से नहीं चला सकते हैं, इसको वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको एक नंबर्स में और कैटेगरीज में बांट के रखा नहीं जा सकता. नहीं, मैं इसको इस रेफरेंस से कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं जब अपना कोई शो करता हूं तो मैं काउंटर व्यू पॉइंट को भी कहीं देख लेता हूँ कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, उनका क्या व्यू है. लेकिन जो आम दर्शक है उसको ये सब, उसको लगता है नहीं नहीं पूरा देश ही ये सोच रहा है, पूरा देश ही कह रहा है कि सिकंदर ने उससे लड़ाई की. इसलिए मैंने कहा वो सब हर सोशल मीडिया यूजर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन आप जैसे रिस्पॉन्सिबल जैसे लोग हैं, अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम एक हमारी आवाज जो है वो बुलंद होनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा, जो ये सोशल मीडिया पेजेस हैं, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड शो डाइवर्सिटी, दे शुड नॉट, ये डिवाइड ना करें लोगों को, ये बांटे ना लोगों को, ये लोगों को जोड़े, ये लोगों को एक साथ लाएं. जी, थैंक यू सो मच अनुराधा जी फॉर ज्वाइनिंग अस, और इतना टाइम दिया आपने. हम लोग कश्मीर पे हरदम कुछ ना कुछ जानना ही चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि कश्मीर कब वापस वो वाला कश्मीर बनेगा जिसको हम लोग सुन के देख के जाके बड़े हुए थे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.